नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेश तनवर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी राशि लग्न वालों को ये बता रहे हैं कि ऐसे कौन से उपाय आप करें जिससे कि 2020 आपके लिए एक अच्छी खुशी वाला साल लेकर आए और 2020 के अंदर आप अपने ज़्यादातर कर्जे उतार सकें। तो दोस्तों, अब तक हम 6 लगन यानी कि मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये 6 राशियों के बारे में अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस राशि के बारे में बताने वाले हैं वो है तुला राशि। तो दोस्तों, तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, लिब्रा राशि वालों को ऐसे कौन से उपाय करने होंगे जिससे कि वो 2020 में अपने सभी तरह के कर्जे उतार पाएँ। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं लिब्रा राशि के लिए। लिब्रा राशि दोस्तों, लिब्रा राशि यानी कि शुक्र की राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है। अब दोस्तों, शुक्र की राशि वालों को सबसे पहले अपने शुक्र को बलवान करना है क्योंकि उनके लगन का मालिक, लगन का स्वामी शुक्र है। तो अगर आप अपने शुक्र को बलि कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तन और मन दोनों आपके कर्जे उतारने के लिए सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले यही कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने शरीर यानी कि शरीर और मन को अगर स्ट्रोंग कर लें तो कहीं ना कहीं आपको कर्जा जल्दी उतर जाएगा। तो शुक्र को अगर मजबूत करना है लिब्रा राशि वालों को, तुला राशि वालों को, तो क्या उपाय करेंगे दोस्तों, लिखे। पहला उपाय है दोस्तों, जितना भी हो सके गाय की सेवा करें। दोस्तों याद रखें, लिब्रा साइन वाले, लिब्रा राशि वाले, तुला लगन वाले, जितना हो सके गाय की सेवा करें और अपने खाने से पहले गाय की रोटी जरूर निकालें। तो दोस्तों, ऐसा करके देखिए, आपका लगन कहीं ना कहीं मजबूत डेफिनेटली होगा। एक और उपाय बता रहा हूँ आपको, तुला राशि वालों को माँ सरस्वती की पूजा नित्य रूप से करनी चाहिए दोस्तों। और पूजा करने के बाद कोई भी एक मंत्र का जाप करें, एक बार करें, 10 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें या 108 बार करें। दोस्तों कोई भी कर सकते हैं आप, किसी कोई भी सरस्वती एक मंत्र ले लीजिए, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए और आराधना करने के बाद उनको या तो दही से या किसी मिठाई यानी कि सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए, उससे आप माँ सरस्वती को भोग लगाइए। तो दोस्तों, आप देखिए कहीं ना कहीं आपका तन और मन दोनों स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय बताते हैं आपको तुला राशि वाले के लिए, अपने लगन को यानी कि अपने लगन के स्वामी को स्ट्रोंग करने के लिए। दोस्तों आपने क्या करना है दोस्तों, शुद्ध देसी घी गाय का हो तो बहुत बढ़िया है, दही, देसी कपूर, दोस्तों तीनों चीज़ें किसी मंदिर में दान करनी है आपने। और ये हर शुक्रवार अगर आप कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपका तन और मन कितना स्ट्रोंग हो जाएगा। और जैसे ही आपका तन और मन स्ट्रोंग होता है तो दोस्तों आप में जो कर्जा उतारने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं स्ट्रोंग हो जाएगी, आप इस कर्जा उतारने में सक्षम कहीं ना कहीं हो जाएंगे। अब एक उपाय हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही सटीक उपाय है, अगर किसी ने अपना शुक्र को मजबूत करना है दोस्तों, जितना हो सके अनाथ बच्चों की सेवा करें। बहुत अच्छी रेमेडी है दोस्तों ये, अनाथ बच्चों को पालें, हो सकता हो ना हो सके घर में अगर आप ना रख पाएँ तो दोस्तों किसी भी अनाथ आश्रम में जाके उनकी जितनी सेवा कर सकें वो कीजिए, या किसी एक बच्चे को गोद ले लीजिए। गोद लेने का मतलब ये नहीं कि आपने घर में रखना है, उसकी जितनी एजुकेशन है उसका, उसके ऊपर जितना खर्चा होने वाला है, आप उसको अगर सक्षम है उसको बियर करने के लिए, उसको सहन करने के लिए, तो दोस्तों आप जीवन में जरूर किसी ना किसी एक बच्चे को अडॉप्ट आप जरूर कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं दोस्तों तो आप देखिएगा आपका लगन यानी कि तन और मन कितना स्ट्रोंग हो जाएगा शुक्र लगन वाले। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र लगन की। अब आपका लगन यानी कि तन और मन हमने स्ट्रोंग किया इन उपायों से, अब जो मेन प्लैनेट है आपका जो कर्जा लेने में सहयोग करता है, और वही प्लैनेट है, वही ग्रह होगा जो कि आपको कर्जा उतारने में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों तुला राशि वालों के लिए जो बृहस्पति महाराज हैं वो छठे घर के मालिक होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपके पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में, कि छठे भाव से ही कर्जा लिया जाता है और छठे घर का जो स्वामी होता है, जो ग्रह होता है, वही आपका कर्जा उतारने के लिए आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों तुला राशि वालों के लिए छठे घर में का जो स्वामी होता है वो है बृहस्पति महाराज। अगर आप अपने बृहस्पति को, अपने गुरु को, अपने जुपिटर को स्ट्रोंग कर लें
तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके ऊपर 2020 के अंदर कर्जा नहीं देने वाला। तो दोस्तों कौन से ऐसे उपाय हैं बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो आप लिखिए। सबसे पहला उपाय दोस्तों, जब भी आपने घर से निकलना है, जब कभी भी घर से निकलना है या व्यवसाय के लिए किसी से को डीलिंग करने जाना है, तो आपने हमेशा हल्दी, केसर या पीले चंदन से तिलक किए बिना नहीं जाना दोस्तों। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपका जुपिटर यानी कि आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बृहस्पति आपके खर्चे उतारने में आपकी हेल्प करने वाला है दोस्तों। अब अगला उपाय दोस्तों, तुला राशि वालों को हमेशा अगर अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना, तो दोस्तों जीवन में तुला राशि वाले जरूर कोई ना कोई गुरु को बनाएं या गुरु को धारण करें। कोई ना कोई गुरु आपका दोस्तों जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देखिएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी गुरु को मान लेते हैं, गुरु को धारण कर लेते हैं, कोई गुरु बना लेते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो गुरु आपको जीवन में अच्छी राह दिखाएगा और मैं तो कहता हूं कि कर्जा होने ही नहीं देगा वो। अब अगर किसी का गुरु नहीं है, मान लीजिए किसी ने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ, गुरु नहीं बनाया हुआ, तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो अपने साईं बाबा हैं उनको आप गुरु मान सकते हैं और हर बृहस्पतिवार को आपने जो आपने अपना गुरु बनाया हुआ है उसके लिए या साईं बाबा के लिए जरूर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा की चीज़ निकालनी है और उनको मंदिर में देकर आना है दोस्तों। आप ऐसा कीजिए, आपको रिजल्ट्स आपके कुछ ही महीनों में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे दोस्तों। अब अगला उपाय बता रहा हूँ एक और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों जिनका भी जुपिटर, जिसने भी जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो जितना भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और दोस्तों बृहस्पतिवार वीरवार के दिन करें तो और अच्छा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए तुला राशि वाले, आपके ऊपर कर्जा चढ़ ही नहीं सकता दोस्तों, और जो है वो डेफिनेटली 2020 के अंदर डेफिनेटली उतर जाएगा। अब एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। जिसने भी अपना कर्जा उतारना है तुला राशि वाले, आपने कुछ नहीं करना, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि 10 साल से नीचे नीचे के बच्चे जो होते हैं, उनको जितना भी आप लिखने पढ़ने का सामान यानी कि एजुकेशन रिलेटेड जितना भी आप सामान गिफ्ट करेंगे, उनको दान करेंगे, दोस्तों देखिएगा आपके ऊपर कर्जा कितनी जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ अच्छी रेमेडी हैं, आप कीजिए इनको। जितना आप इन रेमेडीज़ को तन से मन से करेंगे, आप देखिएगा आपके जो 2020 है आपका कितना अच्छा जाने वाला है। एक और उपाय बता रहा हूँ दोस्तों बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने का तुला राशि वालों, क्योंकि आपके लिए जो मेन की प्लैनेट है जो कि आपका कर्जा उतरवाएगा वो है गुरु महाराज बृहस्पति भगवान, तो बृहस्पति को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए एक उपाय और बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, किसी भी नर्सरी से आपने 11 हल्दी के पौधे परचेज करके लाने, खरीद कर लाने दोस्तों। उन 11 पौधों को आपने घर में लेकर आना है, उन 11 में से 5 पौधे आपने अपने प्लांट में जहाँ भी आप लगाते हैं या अपने घर के आंगन में उनको स्थापित करना है, बाकी बचे 6 जो हल्दी के पौधे हैं वो किसी भी धार्मिक स्थान पर उनको लगा कर आना है दोस्तों। लेकिन 24 घंटे के बाद, पहले 11 के 11 पौधे अपने घर लेकर आने, 24 घंटे उनको अपने घर में रखना है, उन 11 में से 5 आपने अपने घर में स्थापित करने हैं, घर के प्लांट गमलों में लगाने हैं, और बाकी जो 6 बचे हैं वो आपने किसी भी धार्मिक स्थान पर उनको डोनेट कर कराना है और उनकी बच्चों की तरह देखभाल करनी है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और ये हल्दी का पौधा अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों आप देखिए जैसे जैसे हल्दी का पौधा बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर जितने भी कर्जे हैं वो कहीं ना कहीं कम होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही ट्रस्टेड रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आप इनको अपनाइए। एक और रेमेडी है दोस्तों, आपने क्या करना है, हर बृहस्पतिवार के दिन आपने किसी ना किसी एक ब्राह्मण को, कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना है। अगर आप ऐसा कराते हैं नित्य, मतलब डेली अगर आप ऐसा कर लेते हैं, हर वीकली ऐसा कर लेते हैं, और कुछ महीने आप करके देखिए, आप देखिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो कर्ज है वो जरूर कम होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हमने दिए बृहस्पति के। एक बृहस्पति का मैं बीज मंत्र दे रहा हूँ, इसकी भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। आप डेली घर से इसकी कम से कम एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र को जाप करके ही आपने घर से निकलना है। तो दोस्तों वो है बृहस्पति का बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इसकी आप दोस्तों चैंटिंग कीजिए, आपको खुद एहसास होगा कि आपके ऊपर जो कर्जे हैं वो कहीं ना कहीं उतरने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए हमने शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि वो लग्न का स्वामी है, हमने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि वो छठे घर का स्वामी है, यही आपके कर्जे उतरवाएगा। अब दोस्तों हमें भाग्य का साथ भी चाहिए, तुला राशि के लिए जो बुध है वो उनके भाग्य का स्वामी है, तो दोस्तों
हमें कर्जा उतारने के लिए अपना भाग्य का सपोर्ट भी चाहिए, भाग्य का साथ भी चाहिए। तो कुछ एक दो रेमेडी हम बताते हैं बुध की, भगवान बुध की, आप वो कीजिए तो कहीं ना कहीं आपका लक, आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। दोस्तों सबसे अच्छी रेमेडी दोस्तों बुध को स्ट्रोंग करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए दोस्तों डेली, अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। दूसरी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आपने क्या करना है दोस्तों, घर के आंगन में आपने एक श्यामा तुलसी का पौधा स्थापित करना है दोस्तों। बहुत इजी है, कहीं से ही मिल जाएगा, आप इसको लगाइए, श्यामा तुलसी का पौधा लगाइए और सुबह शाम इसको नमस्कार कीजिए। इसकी आपने कम से कम 7 परिक्रमा डेली करनी है दोस्तों श्यामा तुलसी की। अगर आंगन में लगाया आपने तो चारों तरफ से खुला होगा और इसको आप कम से कम 7 बार आपने इसकी चक्कर लगाने हैं, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपका भाग्य स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ रेमेडीज और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपने क्या करना है, तुला राशि वाले आपने 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष की माला बनानी है दोस्तों। उस माला के अंदर 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। आप उसको धारण कीजिए दोस्तों, आपको एक ही यंत्र से, एक ही माला से हमने आपके बुध का, बृहस्पति का और शुक्र का, तीनों का उपाय एक ही माला से हो जाएगा। तो आप इसको पहनिए, आपको खुद एहसास होगा कहीं ना कहीं आप में एक वो विल आएगी, कहीं ना कहीं आपके वो कोई ना कोई रास्ते खुलेंगे जिसकी वजह से आप अपना कर्जा उतार पाएंगे। एक और रेमेडी आपको बताता हूँ, अब आपने क्या करना है दोस्तों, एक फायर ओपल आता है, आप उसको पहनिए, आप उसका एक पेंडेंट बनाइए और फायर ओपल को अपने गले में धारण कीजिए दोस्तों। और इसके साथ साथ एक सिट्रिन करके ब्रेसलेट आता है बृहस्पति के लिए, सिट्रिन, और इसके साथ एक ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट, आपने 2 ब्रेसलेट पहनने हैं, एक ग्रीन एवेंचुरिन का और एक सिट्रिन का, और एक फायर ओपल का पेंडेंट पहनना है दोस्तों। आप पहन के देखिए दोस्तों, कुछ ही हफ्ते में, कुछ ही महीने में आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और कहीं ना कहीं जो आपके रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं, आप फाइनेंशियल, आप कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप देखिएगा जैसे ही आप पहनते हैं और कुछ ही महीने के अंदर, कुछ ही हफ्ते के अंदर आप अपने कर्जे उतारने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों एक लास्ट उपाय है, हमने अपने भाग्य को स्ट्रोंग करना है तो बुध का बीज मंत्र चैंटिंग कीजिए दोस्तों, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। इसकी एक माला अगर आप डेली कर लेते हैं तुला राशि वालों, लिब्रास राशि वालों, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपके ऊपर जो कर्जा है वो कहीं ना कहीं उतरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमने बात की आपसे तुला राशि लिब्रा राशि वालों के लिए कौन से ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि आप 2020 में कर्ज मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी, ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह पसंद आए, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को आप अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर कीजिए। और दोस्तों जो कोई भी लोग मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मेरे जो नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर फ़ोन कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हमारे यहाँ दोस्तों रेगुलर इंटरवल पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलते रहते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, वास्तु का है, न्यूमरोलॉजी का है। अगर आप ये सब साइंसेज भी हमसे सीखना चाहते हैं तो आप भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।